हिमाचल की चोटियां बर्फ से लद गई हैं। राज्य के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। बर्फ की सफेद चादर में ढके पहाड़ों का नजारा देखते ही बन रहा है। शीतलहर के चलते पूरे प्रदेश में ठिठुरन बढ़ गई है। बीते कुछ समय से बर्फबारी के चलते स्थानीय कारोबारियों सहित किसानों बागवानों के चेहरे खिल गए हैं। बागवानी के लिए दिसंबर की बर्फबारी रामबाण मानी जा रही है। प्रदेश की चोटियां बर्फ से लद चुकी हैं। राज्य के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। बर्फ की सफेद चादर में ढके पहाड़ों का नजारा देखते ही बन रहा है। शीतलहर के चलते पूरे प्रदेश में ठिठुरने पर लोग मजबूर हैं। वीरवार से हो रही बर्फबारी के चलते स्थानीय कारोबारियों सहित किसानों बागवानों के चेहरे खिले हैं। बागवानी के लिए दिसंबर की बर्फबारी रामबाण मानी जाती है। वहीं पर्यटन नगरी चायल में पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद बर्फ की चाह रखने वाले पर्यटकों को खींचने की ओर मजबूर कर रही है। वैसे तो पर्यटन नगरी चायल में पूरे साल भर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन बर्फबारी के सीजन में पर्यटकों की आवाजाही ज्यादा बढ़ जाती है। जहां पहली बर्फबारी से स्थानीय लोग खुश हैं, वहीं चायल के साथ लगते पर्यटन स्थलों में भी काफी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। बर्फबारी के सीजन में जहां पर्यटकों की आवाजाही बढ़ जाती है, वहीं जाम की दिक्कतें भी बढ़ जाती हैं। इसलिए पुलिस प्रशासन इसके लिए पूर्ण तरह तैयार है। एसपी सोलन मधुसूदन शर्मा ने बताया कि ट्रैफिक सुविधा सही रहे, जाम ना लगे, इसके लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं और कंडाघाट और चायल में पुलिस प्रशासन को विशेष दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। सोलन पुलिस ने पर्यटकों की सुविधा के लिए सड़कों को इंतजाम कर लिया है। जहां जरूरत पड़ेगी रोड बंद कर दिए जाएंगे और पर्यटकों को किसी भी तरह की सुविधा हो तो सोलन पुलिस के कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं। सड़क खोलने के लिए पीडब्ल्यूडी के साथ लगातार हमारा संपर्क रहता है और जब भी कोई मुश्किल आएगी तो हम पर्यटकों की हर संभव सहायता करेंगे। जरूरत पड़ी तो हमारे पास अतिरिक्त पुलिस बल भी है, वो हम भेजेंगे, लेकिन अभी तक ऐसी जरूरत है नहीं। कसौली में अभी कोई भी बर्फबारी नहीं हुई है। जो चायल में बर्फ गिरी है वो तकरीबन पिघल चुकी है। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम। कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एसटीडी के साथ। नमस्कार।